हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइम यू ओल्ड जिप्सी मैन। ये एक पोइम है जो राल्फ हॉडसन ने लिखी है। इस पोइम में पोइट टाइम यानी समय को कंपेयर करता है एक ओल्ड बूढ़े जिप्सी मैन के साथ। जिप्सी मैन बोलते हैं एक खानाबदोश आदमी को या नोमैडिक को, फ्री स्पिरिटेड पर्सन हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइम यू ओल्ड जिप्सी मैन, विल यू नॉट स्टे? ओ बूढ़े खानाबदोश आदमी, क्या आप आज नहीं रुकोगे? Put up your caravan just for one day. क्या आप अपना जो कारवां है, कारवां बोलते हैं कि जो पिलग्रिम्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह तक अपना काफिला लेके जाते हैं, वो बोलते हैं क्या तुम अपना ये काफिला नहीं रुकाओगे? All things I'll give you, will you be my guest? मैं आपको बहुत सारी चीजें दूंगा, और भी चीजें दूंगा, क्या आप मेरे गेस्ट बनोगे, मेहमान बनोगे? Bells for your Janet of silver, the best. आपके जैनेट के लिए मैं बेल्स दूंगा, घंटियां दूंगा। जैनेट मीन्स स्पेनिश घोड़ा होता है, एक अलग ब्रीड होता है। सिल्वर द बेस्ट यानी कि आपको मैं घंटी जो दूंगा सिल्वर की दूंगा, बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया सिल्वर की घंटी दूंगा। गोल्ड स्मिथ शैल बीच यू ए ग्रेट गोल्डन रिंग। गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार, सुनार आपको एक बहुत ही बढ़िया ग्रेट गोल्डन सोने की अंगूठी देंगे। Peacocks shall bow to you, little boys sing. Peacocks यानी मोर आपके सामने झुकेंगे, आपको नमस्कार करेंगे, नमन करेंगे, और little boys जो छोटे बच्चे हैं वो आपके लिए गाना भी गाएंगे। Oh and sweet girls will festoon you with May. Festoon मतलब होता है decorate करना। May यहाँ पे एक टाइप का स्पेशल टाइप का पेड़ है जिसके अच्छे फ्लावर्स होते हैं, यानी कि छोटी लड़कियां आपके लिए डेकोरेशन करेंगी, आपके लिए फूल पत्ते वगैरह से एक बहुत अच्छा उम्दा डेकोरेशन बनाएंगी। टाइम यू ऑल जिप्सी वाय हैसन अवे। ओ बूढ़े खानाबदोश आदमी, इतनी जल्दी क्या है, क्यों जाना है, रुक जाओ। सो दिस इज द पॉइंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।